been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मीडिया न्यूज़। तो गाइस, सभी जानते हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर वर्ल्ड वाइड में कितने फेमस हैं, और जब से उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी करी है आयरन मैन, लोग इनके और भी ज्यादा फैंस हो चुके हैं। और मार्वल में सबसे ज्यादा लोग फैन है आयरन मैन के, और उसे रोल प्ले करते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर। तो मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूँ, एक ऐसी न्यूज बताने वाला हूँ कि आप रॉबर्ट डाउनी जूनियर से और भी ज्यादा प्यार करने लगोगे। जी हाँ, तो ये सिर्फ आयरन मैन फैंस के लिए है वीडियो। तो सबसे इम्पोर्टेंट आज का जो फैक्ट है, आपने आयरन मैन 3 तो देखी होगी, जिसमें कि आयरन मैन की 3 में जितनी भी कॉमेडी के सीन थे, जिसमें कि वो पहले पार्ट में मतलब छोटे से सीन में वो अपना सूट पहनता है जिसमें वो कॉमेडी के डायलॉग्स होते हैं, उसके बाद ये सोफे पे बैठा होता है और दिन बच्चे से हंसी मजाक कर रहा होता है, तो जितने भी इसमें कॉमेडी के डायलॉग्स हैं वो सारे राइटर्स के ओरिजिनल लिखे हुए थे, बट रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मजा नहीं आया और उन्होंने वो सारे डायलॉग चेंज करवा दिए और खुद के लिखे हुए डायलॉग मूवी में डलवाए। जी हाँ, तो ये है वो फैक्ट। तो आप आयरन मैन 3 जब भी मूवी देखोगे तो उसमें जितने भी डायलॉग हैं वो ओरिजिनल रॉबर्ट डाउनी जूनियर के हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर कितने टैलेंटेड हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर अल्ट्रॉन के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।